कमेंट देखिए थोड़ा खींचा छोटा छोटा मत काटो से ऐसा एक पेनिनसुला मूवी को काफ़ी अप्रिसिएट सर किया जा रहा है कई सारी जगहों पर, काफ़ी 3 स्टार 4 स्टार मिले हैं। आप की क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? ऐसी फिल्मों में ये रहता है कि आपको ये फिल्म जकड़ के रखेगी। ये मुझे बहुत, जो ट्रेन जो भूसान वाली फिल्म देखी थी मैंने, ट्रेन टू भूसान, तो उसमें भी जो एक था कि हॉरर के साथ साथ जिस तरह से वो लोगों ने ट्रीटमेंट दिया था फिल्म का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम टाइप ऑफ एक्साइटमेंट राइट नाउ। सर, जैसा कि आपने मैडम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, कोविड भी चल रहा है हमारी सोसाइटी में एंड आपने जो जिम्मा उठाया है कि हमें सिनेमा घर में फिल्म रिलीज करनी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपकी, कैसे आपने इतना बड़ी अपनी ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई? सो क्रॉस पिक्चर्स ने ये पिक्चर पहले ली हुई थी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन कोविड हुआ, लेकिन हम लोग हटे नहीं। हम लोग ने कहा कि जैसे सिनेमा हॉल शुरू हो जाता है वैसे ये पिक्चर रिलीज हो, डर के क्या जीना, बिल्कुल। और हम लोग सिनेमास को, ये हमारे अंदर है, अंदरूनी हमारे खून ही है और हम सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं, तो डर के हमें नहीं जीना था। और हम लोग ने कहा जैसे सिनेमा हॉल खुलेगा वैसे हम इसको रिलीज करेंगे, और हम बहुत खुश हैं क्रॉस पिक्चर्स के ये पिक्चर हम ला सकें। काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है फिल्म को, ढेर सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं फिल्म को लेकर, ढेर सारे स्टार्स भी फिल्म को ले चुके हैं। अब आपको कितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म से एज एन डिस्ट्रीब्यूटर? हमें तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये एक एक्शन जॉनरा है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। ये अगस्त इसी साल, जैसे कोविड ख़त्म हो रहा था, लॉकडाउन वगैरह, ये कोरिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया में रिलीज़ हुई और सुपर हिट हुई। हाँ, तो एंड बहुत एंटरटेनिंग है, तो हमें तो बहुत उम्मीद है कि लोग आएंगे, देखेंगे और सिनेमा को एंजॉय करके जाएंगे। आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे जो धीरे धीरे सिनेमा घरों में आ रहे हैं? हमने देखा लॉकडाउन के बाद सूरज पे मंगलवारी रिलीज हुई एंड नाउ आपके फिल्म रिलीज हुई, तो ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ऑडियंस को ये कहूँगी कि सिनेमा हॉल्स जो हैं सारे, सब ने बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके रखे और अगेन एंड अगेन उनके प्रिकॉशंस, और उन्होंने जो भी किया हुआ है और कंटिन्यूसली कर रहे हैं, whether it is sanitization, whether it is all the precautions, cinema halls are very responsible.
और वो पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आप बिल्कुल डरिए मत, आइए 3 घंटे के लिए, आपको भी थोड़ा सुकून मिलेगा, आप भी एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है वापस आने के लिए। और आपकी लाइफ की जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे, सिनेमा हॉल्स में यही चाहते हैं कि आप रहें। बिल्कुल। चलिए 27 नवंबर को रिलीज हो रही है, अपने फैंस के लिए कुछ बोल दीजिए। खुश रहिए, ये भी वक्त बीत जाएगा और लाइफ विल गेट बैक टू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल जो भी है। और मैं चाहती हूँ और मैं सबको विश करना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत सुखद रहे, आप लोग बहुत खुश रहे, आप लोग बहुत हेल्दी रहें और बहुत तरक्की करें आप, और आइए सिनेमाज में। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप प्लीज बोलिए। हाँ सर, अभी आएंगी नीलाक्षी, आएंगी नीलाक्षी, एंड यू ऑल्सो कम विवेक आफ्टर यू। नो नो जस्ट कम। क्या कहना चाहेंगे, 27 नवंबर को फाइनली ये फिल्म हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान की सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इंग्लिश में यू कम्फर्टेबल एनी वन, हिंदी इंग्लिश मराठी? हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फिल्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, 3 years सिंस द फर्स्ट पार्ट, सो वेरी एक्साइटेड, वांट टू सी हाउ द ज़ॉम्बीज़ हैव बीन ट्रीटेड इन द फिल्म, and the poster has some very scary images, so love to get scared, and I think it's a very right time now with whatever is going on around us. Now film like this will actually bring a lot of value when we talk about the uncertainty of the future that we have as a race, as humanity, and extremely excited to be at PVR because it's been 9 months, 8 months, 8 months. बच्चे पैदे हो जाते हैं यार, हम फिल्म तो देख ले, so really looking forward to it. And every जहाँ भी फिल्म रिलीज हो रही है बहुत ही appreciation मिल रहा है, so अब आप लोग क्या उम्मीद है हिंदुस्तान से, हमारे कंट्री से? See, आजकल हिंदुस्तान करेक्ट, it's a global village now, and we are all suffering same way, so anything that is there, which is new, which is exciting, I think India would love it, okay, love it. And we haven't really had much of gripping storytelling in a while, for so many months, and I'm sure people would love it, and the rest of it I can tell you after I have seen it. And do you think it's a good initiative now all cinema houses is open? As long as we maintain protocol, if yeah. flights are open, 2.5 hour flights are open, everybody's using, flights are not going empty, so why not cinema house? Correct. Thai can take a flight, agar book kar sakte hain, Thai can take a film to dekhi lenge, 100%. And it's an industry, it is suffering, there are so many people who have lost work. Even in the cinema halls, people who work, the restaurants here, bahut logon ko suffer rahe hain, we need to get back to the cinema. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. चलो तू पूरा मास्क पहन ले। वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं यही बोलूँगा कि ये टाइम है जब पूरी इंडस्ट्री को साथ आना है, क्योंकि हमें फिल्में चाहिए एग्जिबिटर्स के लिए, थिएटर्स के लिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमको भी बहुत सपोर्ट मिला, सूरज पे मंगलवारी को पूरी इंडस्ट्री से काफ़ी सपोर्ट मिला, और अब मैं भी यहाँ हूँ फॉर माई सपोर्ट। ऑफकोर्स आई वुड वॉन्ट टू सी दिस फिल्म, मेरी फेवरेट है, जो इसका ओरिजिनल था, ये सेकेंड पार्ट है ट्रेन टू बुसान, सो उस लिहाज से तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई, बट ज़्यादा इंटरेस्टेड ये था कि हम लोग यहाँ आएँ और अपना सपोर्ट दिखाएँ थिएटर्स को और फिल्म प्रोड्यूसर्स को। वी नीड दिस यू नो राइट नाउ एट दिस टाइम टू बी टुगेदर।
मैं अभी बस देखने वाला हूँ, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। और अभी मैं दूसरे ही साइड पे हूँ, क्योंकि जब मैं मेरी फिल्म आती है तो एज एन आर्टिस्ट आई एम यू नो पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माई टीम। नाउ एज एन ऑडियंस आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल बी अ ग्रेट फिल्म बिकॉज आई लव द फर्स्ट पार्ट। दिस लुक्स लाइक अ फन फिल्म। मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो जैसे ही मुझे इन्वाइट आया मैं एकदम से बिना कुछ सोचे कूद पड़ा एंड आई एम हियर। नहीं सी ये इन्जॉय करने का टाइम नहीं है एक्चुअली, ये टाइम है जब हम लोगों को कोशिश ही करनी है कि ऑफकोर्स हम फिल्म बनाते हैं कि ऑडियंस तक आए और थिएटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उस लिहाज से ऑफकोर्स मैं बहुत एक्साइटेड था कि हमारी फिल्म पहली फिल्म थी। हाँ अभी मतलब जिस तरह से ऑडियंस का फुटफॉल है उस तरह से नहीं आ रहे हैं, बट अभी वो टाइम नहीं है, आप कंपेयर कर नहीं सकते जो पहले था उससे। तो अभी सिर्फ हमको ये करना है कि एक फिल्म आई फिर दूसरी फिल्म आई तीसरी, लगातार कंटेंट होना चाहिए थिएटर्स में ताकि ऑडियंस को एक आदत जो छूट गई है वो दोबारा लग पाए कि वो थिएटर्स में आ पाए और ये जान पाए कि थिएटर्स बहुत सेफ है। तो इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं। मैं मास्क लेके आया हूँ, सिर्फ इंटरव्यू के लिए उतारा है, बट इट्स अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। थैंक यू। So I'm really happy, I'm very excited that the cinema is coming back and everybody is coming to watch the cinema, because we make film from heart and we really want people to come in cinema hall and experience this. So this is really good that people are keeping their safeties in check, they're wearing masks, they're sanitizing and they're still coming and watching the movie. So this whole thing is very nice. And I really want to congratulate the entire team to, you know, for this event that everyone is coming and taking their time out. So, thank you. All right, sir. सबसे पहले तो सिनेमा घर ओपन हो गए हैं एंड फिल्में जो हैं रिलीज हो रही हैं सिनेमा में। फिर आफ्टर लॉकडाउन के बाद अमेरिका से फिर मंगलवार ही और एक और ऐसी एक बेहतरीन फिल्म को एंजॉय करने आए। कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस सिनेमा? देखिए सिनेमा के लिए आए थे मुंबई, है ना, कि सिनेमा ही करना है। सिनेमा ने ही हमें पहचानती है, वहीं पे जान लगती है। मज़ा आता है जब यार बगल की सीट पे अभी हम देख रहे हैं सब कुछ टीवी पे और उस पर, तो वो मज़ा गायब है जब बगल की सीट पे एक अनोन आदमी बैठा हुआ है और आप एक ही चीज़ पे आप इंजॉय कर रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, है ना, एक्सपीरियंस फील कर रहे हो, तो वो है। और मैं तो बड़े दिनों से मचल रहा था कि यार जैसे ही खुलेगा एकदम पहुँचेंगे, लेकिन पूरी सावधानी सतर्कता के साथ मास्क वास्क लगाया हुआ है सबने, है ना। तो हम पहले हैं, देखते हैं क्या होता है। हर जगह हम जा रहे हैं, शूटिंग भी करके आ गए हम, तो कोरोना काल में ही हमने शूट किया और उसी में हम फिल्म भी देख रहे हैं, पहली फिल्म है। एंड आई होप और सबको विश करता हूँ, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें और अच्छे से फिल्म को इन्जॉय करें ताकि आने वाली जो और ऑडियंस है वो भी इन्जॉय करें, उनमें भी थोड़ा हेंथू भरे। क्या अभी 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 बाद में बताऊंगा, थोड़ा बता सकते हैं? थोड़ी देर इस फिल्म को लेकर क्या कहेंगे आप, कितना एक्साइटेड हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप इस फिल्म? यार ज़ॉम्बी फिल्में मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, मतलब उसमें जो मज़ा है, जो फ्रीडम है, डायरेक्टर कुछ भी कर ले, मेरा एक अलग ही कनेक्शन है ज़ॉम्बी फिल्मों के साथ, तो वही देखने आया हूँ। और जो हमारे नटू जी सर, तो उनके साथ मेरा काफ़ी वो डिस्कशन होता रहता है ज़ॉम्बीज के ऊपर और कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा एक जोन लगता है मुझे, मज़ेदार, तो उसकी थोड़ी हसरत लेके आए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम 6 महीने 7 महीने के बाद एक फिल्म थिएटर में आ रहे हैं, यानी दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर हर फर्स्ट टाइम टू आफ्टर अनलॉकडाउन, कि हम थिएटर में आके फिल्म देख रहे हैं, एक बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं. एंड मेरे लिए फिल्म सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस. बड़े पर्दे पे विद सराउंड साउंड विद डॉल्बी एटमॉस, इस एक्सपीरियंस में फिल्म देखने की जो मजा है वो स्मॉल स्क्रीन है, इवन होम थिएटर में नहीं है. तो आई थिंक दैट इज द एक्सपीरियंस दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड आई एम वेटिंग टू सी दिस. सेम यार, अभी जैसे इन्होंने कहा कि 7-8 महीने हो गए हैं मूवी थिएटर में जाके मूवी नहीं देखी, तो मैं अभी इनको यही कह रही थी कि यहाँ पे आके मुझे इतना मेस्मराइज लग रहा है कि इतने दिनों के बाद एक थिएटर का फील आ रहा है और एक इतनी अच्छी फिल्म थिएटर में जाके देखने को मिल रही है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी वापस ये धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो रही हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस वापस हमें लेने को मिलेंगे. तो हमारी फिल्म जस्ट ख़त्म हुई, हमारी एक जॉम्बीवली नाम की एक फिल्म है, मराठी की ये फर्स्ट जॉम्बी फिल्म है और इसलिए पेनिनसुला देखने की एक उत्सुकता ज़्यादा है. तो ये हमने फिल्म जुलाई में शूट शुरू किया इसका और अभी जस्ट 12 नवंबर को इसका शूट ख़त्म हुआ. तो हमने एक्चुअली लॉकडाउन के बाद शूट की हुई फिल्म है एंड आई थिंक वन ऑफ द रेयर फिल्म जो पूरी हुई है लॉकडाउन के बाद शुरू होके वो हमारी फिल्म है. तो ज़्यादा खुशी है कि थिएटर्स ओपन हो रहे हैं क्योंकि हमारी फिल्म बिग स्क्रीन फिल्म है और हमने पोस्टर आउट किया है, टीज़र आउट किया है और उसमें हमने कमिट किया है कि हम सिर्फ बड़े पर्दे पे आएंगे. तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपीरियंसिंग पेनिनसुला ऑन द बिग स्क्रीन एंड सो आई होप पीपल विल ऑल्सो लाइक जॉम्बी. एज ही सेड, जॉम्बी फिल्म होने के कारण ये फिल्म देखने की एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि अभी अभी हम लोग एक जॉम्बी फिल्म शूट करके हम लोगों ने कम्प्लीट की है और जॉम्बीवली को भी हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. उसी तरह पेनिनसुला वी आर लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि अभी थोड़ा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शूटिंग का लेके जॉम्बीज के साथ, अब जब पर्दे पे ये फिल्म देखेंगे तब थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग होगा, थोड़ी ज़्यादा मज़ा हम लोग उठा पाएंगे ऐसे लग रहा है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अच्छी पिक्चर है. इतनी मतलब जो एक कल्ट फिल्म की एक ये सीक्वल है, नेक्स्ट पार्ट है जो इंडिया में वर्ल्ड ओवर सराही गई है, तो हमारे जी स्टूडियोज़ के हिसाब के लिए इट्स अ गर्व की बात है कि हम लोग ये रिलीज़ कर रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि हम ही हैं लोग जो रिलीज़ कर रहे हैं. 2 हफ्ते पहले सूरज में मंगल भारी रिलीज़ करी थी, इस हफ्ते ये कर रहे हैं, कुछ हफ्तों बाद कुछ और रिलीज़ करेंगे. तो हमारा काम है कि अच्छा कंटेंट लेकर के सामने आए दर्शकों के सामने, और दर्शकों को से गुजारिश है कि अगर आप सेफ फील करते हैं और हेल्दी फील करते हैं आकर के एंटरटेन होइए इस वंडरफुल पिक्चर के साथ. सूरज पे मंगलवारी की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड जिस तरह से 8 नाइट्स मंथ के बाद थिएटर्स ओपन हुए जी, लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अब सूरज पे मंगलवारी का रिस्पांस बहुत ही ब्रिलियंट मिल रहा है, बहुत ही अच्छी है. नहीं, हम बहुत खुश हैं. जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि जो पहली जो हमारी रिलीज थी, इट वाज टू जस्ट गिव टू सपोर्ट द इंडस्ट्री. ये थिएटर्स हैं जो हम लोग बचपन से ये इस थिएटर में नहीं बट ऐसे थिएटर में यू नो जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए. तो जब तक अगर थिएटर्स को अगर प्रोड्यूसिंग कम्यूनिटी और डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर आप और हम जो सब है ना इतना प्रेम रखते हैं फिल्मों के प्रति, वो है ना वो कैसे सर्वाइव करेगा. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट जितने भी लोग आए हैं पिक्चर को देखने के लिए उनको पसंद आई है, उन्होंने सपोर्ट करा है एंड इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि आप देखें हॉल में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों की है ना एक यू कीप टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक पैकेज फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना अफेक्टेड हुई हैं एंड थिएटर्स हैव बीन द मोस्ट अफेक्टेड एंड कंटिन्यू टू बी अफेक्टेड, खुल गए हैं और अभी है ना क्या जो कॉस्ट पहले जो लॉकडाउन में जो कॉस्ट था एक वो कॉस्ट कैप्ड था, अभी वो वेरिएबल कॉस्ट वापस यू नो बढ़ गया है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लाइक टू थैंक चित्रा एंड क्रॉस पिक्चर्स फॉर ऑल्सो सपोर्टिंग एंड सेइंग कि यस लेट अस रिलीज इट, इट्स नॉट एन आइडियल सिनेरियो. ये पिक्चर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में और भी जनता को अट्रैक्ट करती
बट आई थिंक जो भी जनता अभी इंटरेस्टेड है कि चलो बाहर निकले थोड़ा एंटरटेनमेंट यू नो ले, तो ये पिक्चर बहुत ही थोड़ी डरावनी है, थोड़ी थ्रिलिंग है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट, तो आई वुड अर्ज द यूथ टू कम एंड यू नो एम्ब्रेस दिस लाइक हाउ दे एम्ब्रेस केम टू बुसान. और इतना इतना मतलब इतना डिमांड है थिएटर से कि वी आर रिलीजिंग इन ऑलमोस्ट 350 स्क्रीन्स. मतलब इट्स सच अ वाइड रिलीज, इट्स प्रॉब्ली द वाइडेस्ट रिलीज फॉर अ इंटरनेशनल नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मूवी एवर. एंड तो यू नो हमारे हम अपने तरफ से तो जितना ये डिस्ट्रीब्यूट और कितना स्प्रेड कर सकते हैं वो हमने अपनी तरफ से काम कर दिया है. अब पिक्चर अपना काम करेगी और लोग आए यू नो सिनेमा घरों में, वही हम लोग है ना, यही हमारी कोशिश जारी रहेगी जब तक लोग वापस आते नहीं हैं. आई नो पैंडेमिक है, लोग सब मास्क पहन करके यू नो बैठे हैं, मगर अगर आप बाहर जा रहे हो, काम पर जा रहे हो, मॉल्स जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, दिस इज एज सेफ एज एनीथिंग एल्स, राइट? सो पति हूँ कि शारे कैन टीम एंड जी स्टूडियोज़ ने इतना उम्दा काम किया हुआ है, इतना अच्छा काम किया है, और दिस कोलैबोरेशन प्योरली फॉर सिनेमा की लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जो उन्होंने हौसला दिखाया है, जितना उन्होंने बिलीफ डाला है, इट इज़ सो हार्टनिंग. एंड मैं चाहती हूँ कि यू नो इंडस्ट्री के लोग जुड़ जाएँ और ऑडियंस को भी पता चले, इट्स रियली फॉर द ऑडियंस एंड इट्स फॉर द इंडस्ट्री. And Z has been amazing, Sharik and his team have been amazing, and thank you very much, and I hope all of you all enjoy the film as much as we've enjoyed together bringing it to the cinemas and to the audience. Thank you so much. Thank you.